Then one day, I found a fat female scorpion in the wall, wearing what at first glance appeared to be a fell phone fur coat. और फिर एक दिन मुझे दीवार में से एक फीमेल बिच्छू मिला जिसने फेलफोन कलर का फर कोट पहना हुआ था. क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव्ड दैट हिज स्ट्रेंज गारमेंट वाज मेड अप ऑफ अ मास ऑफ टिनी बेबीज क्लिंगिंग टू द मदर्स बैक. और करीब देखने पर करीब से मुशाहदा करने पर मालूम हुआ कि वो उस स्कॉर्पियन के उस बिच्छू के छोटे छोटे बच्चे थे जो कि अपनी माँ की फीट के साथ वो चिमटे हुए थे. आई वॉज इनरेप्चर्ड बाई दिस फैमिली और मैं इस खानदान को देखकर खुश था. एंड आई मेड अप ऑफ माई माइंड टू स्मगल देम इन टू द हाउस एंड अप टू माई बेडरूम सो दैट आई माइट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप. और फिर मैंने अपना माइंड इस तरह से बना लिया, मैंने अपने दिल में मंसूबा बना लिया कि उनको मैं अपने घर और अपने बेडरूम ले जा सकूं और मैं उनको बढ़ते हुए देख सकूं विद इनफाइनाइट केयर. और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ आई मूव्ड द मदर एंड फैमिली इनटू अ मैच बॉक्स. मैंने उस खानदान को और यानी माँ और खानदान को एक डिब्बे में डाला, यानी मैंने उस बिच्छू और उसकी बेबीज को एक मैच बॉक्स में डाला. एंड देन हर्ड टू द विला और फिर उनको मैं विला ले आया. इट वाज रेदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर्ड द डोर लंच शुड बी सर्वड. और ये मेरे लिए बदकिस्मती थी कि जैसे ही मैं दाखिल हो गया तो लंच तैयार हो चुका था. However, I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room and made my way to the dining room and joined the family for the meal. ताहम फिर मैंने उस डिब्बे को उस matchbox को मैंने एहतियात से आतिशदान के ऊपर रखा ड्राइंग रूम में और फिर मैं डाइनिंग रूम की तरफ चला गया और अपने फैमिली के साथ मैं खाना खाने में मशगूल हो गया. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. और मैं रोजर को भी साथ साथ खिलाता रहा और अपने खानदान का बहस मुबाहसा जो है जो कि वापस में बात कर रहे थे उसको भी मैं सुनता रहा. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर्स और मैं मुकम्मल तौर पर अपने नए महलूक को भूल गया. एट लास्ट लेरी हैविंग फिनिश्ड और आखिरकार लेरी ने खाना ख़त्म कर लिया फिच द सिगरेट्स फ्राम द ड्राइंग रूम एंड लैंग बैक इन हिज चेयर ही पुट वन इन हिज माउथ एंड फेक्ड अप द मैच बॉक्स ही हैड ब्रॉट. और फिर लेरी ने सिगरेट जो है उसको मुंह में डाला और वही माचिस जो कि मैं लाया हुआ था वही मैच बॉक्स जो कि मैं लाया हुआ था उसमें से उसने एक उठा दिया. Oblivious that the end of my happy days was about to come. और मेरे ख्याल से मेरी खुशी का वक्त जो है अब वो ख़त्म होने वाला था. I watched my eldest brother interestedly as still talking loudly. He opened the match box. और मैंने अपने भाई को देखा जिसने दिलचस्पी के साथ तेज़ आवाज़ में बात करते हुए उसने मैच बॉक्स खोला.